हमारे पीछे एक पोस्टर जरूर देख रहे होंगे आप। इस पोस्टर में लिखा हुआ है, लेकिन ये पोस्टर काला कलर का है, सफ़ेद रंग से लिखा हुआ है इस पोस्टर पे, और ये पोस्टर जो है पटना के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पे लगाया गया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुछ दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में लगे वो काला पोस्टर आपको बिल्कुल याद होगा, जिसने सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोरी थी। जिस पोस्टर में इस बात का जिक्र था कि साहब हमारे बच्चों को वैक्सीन, यानी कि हमारी बच्चों की जो वैक्सीन है उसे बाहर क्यों भेज दिया गया, ये काला पोस्टर लगा हुआ था दिल्ली के भीतर। और किसने लगाया था, किस पार्टी ने लगाई थी, इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन चलिए, अब दिल्ली दूर की बात है, हम बिहार आ जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में के भी सड़कों पर इसी प्रकार की एक काली पोस्टर लगाई गई है। जी हम बात करें तो बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश सरकार और भाजपा के साथ गठबंधन में एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे में पटना के भी सड़कों पर एक पोस्टर लगी हुई है, जिस पोस्टर ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। हालांकि पोस्टर को फरवाया भी जा रहा है, जहां जहां लगाए गए हैं वहां से उखरवाया भी जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको दिखा दें कि उस पोस्टर में आखिर ऐसी क्या बात है कि इसे हटवाने के लिए लोग तुले हुए हैं, प्रशासनिक लोग तुले हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस पोस्टर में आखिर क्या लिखा हुआ है। हमारे पीछे एक पोस्टर जरूर देख रहे होंगे आप। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि नीतीश बाबू आपके निकम्मेपन की कीमत जनता कब तक चुकाएगी। ये पोस्टर पटना के अलग अलग जगह पर लगाए गए हैं। जो भी बस स्टॉप हैं वो बस स्टॉप जो क्रियान्वयन में नहीं है, लगे हुए हैं, बस स्टॉप बना दिए गए हैं, उसके पीछे लिखा हुआ है कि नीतीश बाबू आपके निकम्मेपन की जो कीमत है वो जनता कब तक चुकाएगी। ये बात इस पोस्टर को किसने लगाया है, उसमें पीछे और उसके नीचे कहीं भी किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी का भी जिक्र नहीं है, लेकिन ये पोस्टर काला कलर का है, सफ़ेद रंग से लिखा हुआ है इस पोस्टर पे, और ये पोस्टर जो है पटना के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पे लगाया गया है। आपको बता दें कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार जो है सवालिया निशान के घेरे में है। जो कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना के महामारी के दौर के बीच में ही जो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं, महागठबंधन की ओर से सवाल खड़े किए जाते रहे। इसमें बात करें तो जो जनसेवक पप्पू यादव, जाप प्रमुख पप्पू यादव, इन्हीं कारणों के कारण जेल में हैं, ऐसा लोगों का मानना है। उनका कहना है कि आपने बिल्कुल याद होगा कि किस प्रकार से सारण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि राजीव प्रताप रूडी के जो एम्बुलेंस वाला जो केस हुआ था, इसके बाद घटना हुई थी, इसके बाद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हो गई थी। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को सिलसिलेवार ढंग से पत्र के जरिए सवाल करते रहते हैं, और वे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं उसे दिखाते रहते हैं। हालांकि इस पोस्टर को किसने लगाया है इस बात की तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक ओर जहां इस काल में नीतीश कुमार पर सवालों की झड़ियां लग रही है, वहीं पटना के सड़कों ने भी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। पटना के सड़कों पर सफ़ेद रंग से उस काली सड़कों पर सीधे लिखा हुआ है कि नीतीश बाबू आपके निकम्मेपन की जो कीमत है वो जनता कब तक चुकाएगी। अब क्या नीतीश कुमार इन सारे सवाल का जवाब देते हैं, या जवाब देते हैं तो किन माध्यम से देते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। खैर, आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर कभी नहीं रुकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।